की नाम है तुम्हारा? परमवीर। परमवीर नाम है। जो हमारा एक बार परौंठा शक लेगा उसको रात तक भूख नहीं लगेगी। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम टू द पंजाब। इस वक्त मैं लुधियाना से आगे और खन्ना से पहले हूँ, जो ये मंजी साहिब गुरुद्वारा है। रात को मैंने यहाँ पर स्टे किया था, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और आज मेरा राइड का 7th डे है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिलिंग टूर कर रहा हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी, जो मेरा सोलो राइड है लगभग 4000 किलोमीटर का। अभी बस वक्त हो गया 9:50 और अपनी राइड स्टार्ट होने वाली है। हमारी शहजादी है वो पूरी अच्छे से तैयार है, सारे जो बैग्स वगैरह वो सब कुछ सेट कर दिए हैं, तो बस निकलने का वक्त आ गया है। चलिए जी शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच रब जी, आपने एक बहुत ही अच्छे स्टे और एक अच्छे खाने के लिए। So welcome back to my YouTube channel. I'm Jerry Choudhury. Super excited for today and thank you so much for supporting me on Instagram, Facebook, WhatsApp and everywhere. Thank you so much guys. जो ये मंजी साहिब गुरुद्वारा है यहीं पर, जो करण ओजला है उसका सेक सेक कंदी वो वाला गाना यहीं पर शूट हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, काफी फेमस सॉन्ग है, लगभग 61 मिलियन व्यूज हैं, काफी फेमस प्लेस। और इसी के पास में जो गुरी भाई के कल मैं आपको गाँव में लेकर गया था, अगर आपने मेरा पीछे वाला व्लॉग नहीं देखा तो बता दूं, यहीं पर सन ऑफ सरदार और जो यमला पगला दीवाना जो मूवी है वो यहीं पास में जो गाँव है गुरी भाई का वहीं पर शूट हुई है। हेलो भाई, कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आप कहाँ से हो भैया? मैं भाई राजस्थान से हूँ। आप कहाँ से हो? मैं तो लोकली हूँ। अच्छा, कौन से गाँव के? मेरा इधर है अमरीकोला साइड। अच्छा, अमरीकोला साइड। तेना फोटो करवा लो। हाँ बिल्कुल भाई, फोटो कितनी भी लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो बनवाना भाई। कितना टाइम हो गया भैया? भाई मेरे को 7वां दिन आज यार, यहाँ से मंजी साहिब गुरुद्वारे चला हूँ अभी तुम। ओके, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना कुलवीर। सो अज असीं चंडीगढ़ दे रास्ते दे विच जांदे पए सी। सो एक मेरा ब्रदर जैरी चौधरी, सो जिहने अपना साइकिल दा सफ़र शुरू किया कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी। जूस का टाइम हो गया है, चलते ही यहाँ पर ये भाई है बिहार से, तो हमें जूस पिला रहे हैं अभी, मौसम्बी का जूस पिया जा रहा है, उसके बाद आगे निकला जाएगा। तो खन्ना को क्रॉस कर दिया है और अभी श्रीहंड नाम की एक जगह उसकी तरफ जा रहा हूँ। भूख लगाई है जबरदस्त, तो अभी खाना खाने की सख्त जरूरत है। वक्त हो गया है 12:20 और बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी है, ऐसा लग रहा है कि बस आज तो बहुत कुछ खा लूँगा। यो तारा भाई जोगिंदर सब कुछ खा जाएगा आज। अम्बाला यहाँ से 56 किलोमीटर रह गया है और करनाल 131 किलोमीटर, तो सबसे पहले खाने की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, इसलिए खाना खाते हैं उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि भूखे पेट तो साइकिलिंग करना इम्पॉसिबल है। और आज मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ एक जूस का गिलास पिया था। फाइनली खाने का ब्रेक हो गया है, यहाँ पर हमने एक प्याज पराठा प्लस दही मंगवाया है। और अभी फिलहाल मैं सरहिंद जो पंजाब में वहाँ पर पहुँच गया हूँ, तो अभी पराठे खाने उसके बाद आगे के लिए निकलूँगा। काफ़ी ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी इसलिए एक पराठा ऑर्डर कर लिया, अभी काफ़ी साइज़ बड़ा है पराठे का, तो देखते हैं अगर और जरूरत पड़ेगी तो और भी पराठे ले लिए जाएंगे। वैष्णो ढाबे में पराठे खा रहा और आंटी जी मेरे पास बैठकर बता रही है कि हमारा पराठा इतना बड़ा होता है। बताओ आंटी जी, आप खुद ही बताओ। जो हमारा एक बार परौंठा शक लेगा उसको रात तक भूख नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक बात आंटी जी, बहुत बड़ा पराठा खिलाया आंटी जी ने, और स्वाद भी उतना ही, जितना बड़ा पराठा उतना ही स्वाद है। आप देखो मेरे पैसे बच गए, मेरा टाइम बच गया, अब बैठ कर कहीं और पराठे खाने पड़ते रात तक, तो यहाँ एक साथ ही एक पराठा खा लिया, पेट भर गया पूरा, रात तक भूख नहीं लगेगी। हाँ बिल्कुल, अपना कहा सर हिंद में ये वैष्णो ढाबा ना? वैष्णो ढाबा जी, यही वैष्णो ढाबा। और आंटी जी मुझे बहुत अच्छी लगी, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एकदम खाना खा रहा था पास बैठ गए, मम्मी बैठती है ना पास में खाना खाते थे, वैसे आंटी जी आकर बैठ गई, हम बातें कर रहे हूँ। सो जी दही पराठा खा लिया, अब एक चाय और पी जा रही है, इतना बड़ा गिलास चाय का भर के दिया आंटी जी ने, चाय पीते हैं उसके बाद आगे ले निकलेंगे। और अभी एक वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ कर, काफी सही लगा मुझे यहाँ आने के बाद। हेलो परमवीर। परमवीर से हाय। बेटा बोलो की नाम है तुम्हारा? परमवीर। परमवीर नाम है? परमवीर सिंह। बहुत बढ़िया नाम है जी। पापा ने बेटा दसो पापा ने। पापा जी। अरे वाह बहुत बढ़िया। पापा ने नवनीत कौर। नवनीत कौर। नवनीत कौर। ओके, अपना विलेज केड़ा बोलो बेटा? कोटे का साहब। विलेज नवीपुर डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब। फिलहाल मैं साइकिलिंग कर रहा था, मुझे सरदार जी मिले जिन्होंने मुझे एक जूस का गिलास ऑफर किया, थैंक यू सो मच सर जी। मैं आपके राजस्थान पहुंच जाता हूं। अच्छा, गुगामेड़ी। गुगा। अच्छा अच्छा, कम से कम 35-40 साल हो गए मुझे। 35-40 साल हो गए जाते हैं जी। हम यहां जाते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं देख तो लिया था कन्याकुमारी। हां जी सर, हां मैंने देखा था आप स्कूटर पर थे।
टाइम पर। तो ये भी राजस्थान आते हैं और मैं आज इनके पंजाब आया हूँ तो मुझे एक ग्लास पिला रहे। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊँ पूरे पंजाब के अंदर मैं वहाँ जहाँ से पठानकोट से एंटर हुआ हूँ जम्मू के बाद में, समझ लो खाना किसी सरदार जी ने खिलाया है, रुकवाया किसी ने, इस तरीके से पूरे रास्ते के अंदर बहुत मदद की है जी, बहुत ज़्यादा मदद। ਡੋਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਨਿਕਾਲ ਦੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਈ। ਨਿਕਾਲਣਾ ਪਰਮਵੀਰ, ਆਜ ਸੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਏਗਾ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ? ਬੋਲ ਦੋ, ਰੋਜ਼ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣਾ ਤੇ? ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਮੇ ਪੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਸਕੂਲ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਸਕੂਲ, ਦੇ ਨਾਈਸ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਸਿਰਹੰਦ ਮੇ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਆੜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। आपके गांव की? कितना आई जी? जी मैं श्रीनगर से, कश्मीर से स्टार्ट किया था जी। राजस्थान का रहने वाला हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का। कन्याकुमारी चले? हाँ जी, कन्याकुमारी जा रहा हूँ। आज मेरा सातवां दिन है। साइकिल थे? हाँ जी साइकिल थे। मेरा मोटो है जी, साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ। टाटा परमवीर, ख्याल रखी, बाय बाय। बड़ा प्यारा बच्चा है जी, अभी भी स्कूटर रुकवा रुकवा के अपने दादाजी को बोल रहा है कि भाई कहना मेरे को डोले सोले बनाने हैं। मजा आ गया जी, मजा बहुत अच्छे से चल रहा है जी। फिर से हम पेट्रोल पंप पर पहुंच गए हैं पानी की बोतल भरने के लिए। पानी पी लिया है, आज काफी गर्मी है। यहाँ से जो अंबाला है वो लगभग लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वक्त हो गया है 2:45, मतलब हम शाम को आराम से वहां पर पहुंच जाएंगे अंबाला में, और उसके बाद हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल एकदम फिट और फाइन है, पानी पी लिया है और पानी भर लेते हैं। नया पेट्रोल पंप खुला है, आरओ अच्छे से काम कर रहा है। पहले SR हुआ करता था, उसका नाम नायरा रख दिया अभी। तो वहाँ से अभी हम निकल रहे हैं सीधा, पहले जो आएगा वो राजपुरा आएगा, उसके बाद अंबाला आ जाएगा। तब मैंने यहाँ पर 1:30 का ब्रेक ले लिया, मतलब 1.5 घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए। मैंने पहले वीडियो अपलोड किया, फिर थोड़ा देखने लग गया, और जब मैं चलने लग गया तो इनके जो ओनर है वो आ गए, उन्होंने फिर चाय ऑफर कर दी। तो काफ़ी वक्त लग गया बातें करते करते, बहुत देर हो गई। तो अभी अभी मैंने राजपुरा को क्रॉस किया है। राजपुरा से एक रोड राइट साइड में जाती है, वो पटियाला जाती है, लेफ्ट साइड में जाती है वो चंडीगढ़ जाती है, और वो उतना ही डिस्टेंस पर जितना अंबाला है। इस वक्त यहाँ से लगभग जो अंबाला है वो 20 किलोमीटर, और मेरा जो डेस्टिनेशन है वो अंबाला से कम से कम 8-9 किलोमीटर आगे है, जहाँ मुझे स्टे करना है। और जिसके घर मुझे स्टे करना है वो मुझे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था उस भाई ने, यश राणा नाम है उनका, तो आज उन्हीं के घर पर हमारा स्टे रहेगा। जैसे जैसे सूरज देवता ढलने वाले होते हैं वैसे वैसे मेरी और मेरी सहजादी दोनों की स्पीड काफ़ी तेज बढ़ जाती है, इसलिए अभी बहुत ही जल्दी मैं अंबाला पहुँच जाऊँगा। अंबाला पहुँचने के बाद आज रात का स्टे किया जाएगा, कल हम होंगे करनाल और परसों होंगे हम कहाँ पर? दिल्ली। कश्मीर टू कन्याकुमारी, इंस्टाग्राम हैंडल जेरी चौधरी, यूट्यूब हैंडल जेरी चौधरी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ, फिट इंडिया हिट इंडिया। कौन सी जाओ तो आप? जमुना नगर जाते हैं भाई। हाँ जी, अभी घर जा रहे हो? मैं कन्याकुमारी जा रहा हूँ भैया। चलो घर पे, चलो आ जाओ। नहीं भैया, अंबाला के आगे मेरा एक स्टे है, दोस्त रहता है वहाँ पर, उसके घर रुकूंगा आज। मैंने देखा था, मतलब कि परसों देखा था मैंने। अच्छा, स्टे पे देखा था तभी आप वहाँ पे कश्मीर में थे शायद। थैंक यू सो मच। फाइनली मैं अंबाला पहुंच गया हूं और मेरे साथ यस भाई हैं जो मेरे होस्ट बने हैं आज के लिए, जो खुद का अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लस एक साइक्लिस्ट भी हैं। तो थैंक यू सो मच यस भाई, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ रखने के लिए। और दूसरी चीज, भाई अभी कॉलेज कर रहे हैं और अंबाला में रहते हैं, मेरे व्लॉग्स देखे थे इन्होंने, उसके थ्रू हमारी बात हुई इंस्टा पे। और थैंक यू सो मच यस भाई मेरा आज रात के लिए होस्ट एंड दोस्त बनने के लिए। अंबाला के अंदर हमारा कुछ इस तरीके से खाना परोसा गया है, ये हमारा चूरमा है जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है। स्पेशली आंटी जी ने पूछा कि आपको क्या पसंद है, तो हमने बताया हमें चूरमा बहुत पसंद है, प्लस हमारी जो फेवरेट खीर है वो भी हमें मिल रही है, पनीर की सब्जी एंड एक और सब्जी, प्लस रोटी प्लस सैलेड। मैं कहूँगा इस ट्रिप का अभी तक का सबसे टेस्टी खाना मुझे लग रहा है, और देखकर फिर खाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है।
थैंक यू सो मच पीएस भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय टाटा। और कल करेंगे यस भाई के साथ स्टार्ट यहाँ से साइकिलिंग अंबाला टू करनाल, या मे भी करनाल से आगे भी जा सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय।